मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई घाटकोपर इस इलाके से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घाटकोपर के नीलयोग मॉल के किड्स जोन में खेलने के दौरान 3 साल की एक मासूम बच्ची अचानक बेहोश हो गई। उसके बाद फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने ADR यानी कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है और इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। ये घटना 30 अक्टूबर रविवार की शाम को हुई है। यह घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 साल की दलीशा वर्मा किड्स जोन के स्लाइडर से स्लाइड करते हुए तेजी से नीचे की तरफ आती हैं और आते ही नीचे खड़ी अपनी माँ से लिपट जाती है। इसके बाद कुछ सेकंड तक वह अपनी माँ से बात करती है और बेहोश हो जाती है। उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी इलाज शुरू की जाती है, लेकिन इलाज से पहले ही इसकी मौत हो जाती है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच करने के बाद पुलिस ने इस मामले में ADR दर्ज कर आगे तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक घटना स्थल पर मौजूद बच्ची के माता पिता ने भी इस मामले में कोई शक नहीं जताया है, लेकिन फिर भी पुलिस घटना के तह तक जाने में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में किड्स जोन की मालकिन भी सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि दलीशा 30 अक्टूबर को शाम 4 बजे आई थी और 4:15 बजे उनके साथ ये हादसा हुआ है। उसे अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत पहले ही हो गई। किड्स जोन की मालकिन ने यह भी दावा किया है कि उनके यहाँ स्टाफ को हर महीने बच्चों को संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पर लापरवाही का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। वहीं इस हादसे को लेकर पुलिस ने क्या जानकारी दी है और किड्स जोन की जो मालकिन है उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। क्या पूरी घटना क्या हुआ था उस दिन? हाँ, उधर दलीशा 4 से हम लोग के यहाँ स्लॉट वाइज होता है, तो 4 to 5:30 के स्लॉट में आई थी और वो खेल रही थी इधर। उसने हेलोवीन का कॉस्ट्यूम भी पहना और सब किया, राइट, और हेलोवीन का कॉस्ट्यूम भी पहना और उधर स्लाइड करने अभी अराउंड व्हाट टाइम 4:15 और 4 अराउंड व्हाट टाइम वो स्लाइड करने गई, तो उधर स्लाइड में से वो नीचे आ रही थी। नीचे आके भी वो बराबर थी, मम्मी इसके साथ बात की और मम्मी को बोला, मतलब ऐसे हग किया और मम्मी के साथ बात भी की, तो मम्मी ने उसको हग किया और फिर मम्मी उसके किसी को फ़ोन लगा रहे थे और फिर उसमें उसको थोड़ी अनकॉन्शियस जैसी हो गई। उसके बाद उसको कहाँ लेके गए थे और किस तरह से आपके यहाँ से ट्रीट हुआ उसको? हाँ, हम लोग की स्टाफ ने उसको, मतलब इधर दीप पार्क करके डॉक्टर है, तो उनको बोला था कि, मतलब उनको फ़ोन करने का ट्राई किया, पर उसमें से गेस्ट में से एक जन ने उसको ऐसा बोला कि दीप पार्क इज देयर यू गो, तो वो फटाक से वो गए और हम लोग के स्टाफ साथ में ही जा रहे थे, पर वो पहले लिफ्ट में चले गए और उधर से वो लोग क्लिनिक के पास एंड हम में से, हाँ, वो क्लिनिक के पास गए और तभी आई वेंट सेकंड लिफ्ट में। हाँ, टाइम डिफरेंस हो गया था, वी कुड नॉट रीच। टाइम डिफरेंस में तो हम लोग उनको रीच नहीं कर पाए कि वो किधर पहुँचे, वैसे सेकंड लिफ्ट में गए इसके लिए। अभी उस लड़की का डेथ हुआ है, आपके यहाँ पे सेफ्टी लॉन्च पर जो सवाल उठे जा रहे हैं, किस तरह का सेफ्टी यहाँ पे है, किस तरह से ये हुआ है हादसा, क्या कहें? हम लोग के सभी में हम लोग का है ना कवर लगाया है, सॉफ्ट प्ले एरिया है ये, तो हर रॉड पे हर पीस में आप देख सकते हो कि सब में सॉफ्ट थिंग्स लगाया हुआ है कि जैसे किसी को लगे नहीं इसके लिए। और हम लोग स्टाफ को भी पूरा ट्रेनिंग देते हैं, हर महीने हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे किड्स को हैंडल करने का, कैसे उनको, मतलब सब ट्रैम्पोलिन में जाए तो उधर हेल्प करने का, उधर निंजा में जाए तो उधर हेल्प करने का, तो सब जगह हम लोग का स्टाफ खड़े ही रहते हैं और उनको हेल्प करते ही है। तो ये घटना हुई है, तो किस वजह से आपको लगता है उसको कहीं पे लगा है, सिर में कुछ ऐसा हुआ है? यहाँ पर तो मतलब ऐसे वो स्लाइड से नीचे आई, तभी तो वो बराबर उसकी मम्मी के साथ बात भी की, तो अभी हम लोग को भी नहीं पता, मतलब कैसे वो हुआ ऐसे। आपका नाम है? रचना।
पंतनगर पुलिस स्टेशन हद में एक निलयोग मॉल रेलवे स्टेशन का वहाँ पे है और फिफ्थ फ्लोर पे किड जोन है। किड जोन में बच्चे लोगों के खेलने के सब संसाधन है। 30 तारीख को दोपहर को 4 बजे के दरमियान मिस्टर करण वर्मा और उनकी वाइफ और वो 3.5 साल की छोटी बच्ची वहाँ पे खेलने आए थे। वहाँ पे वो स्लाइडिंग है, वो स्लाइडिंग पे खेलते वक्त वो नीचे आने के बाद वो लड़की को थोड़ा ये चक्कर आया करके उसको हॉस्पिटल फोर्टिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। ट्रीटमेंट उधर हॉस्पिटल में वो डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर किया है। हम लोगों ने वहाँ पे स्पॉट विजिट करके तहकीकात चालू कर दी है। वहाँ पे जो कर्मचारी है उनके स्टेटमेंट लिए है और जो घटना घटी है वो पेरेंट्स वहाँ मौजूद थे उनकी एक्सीडेंटल डेथ करके है ऐसा उनके ओपिनियन है। उनकी कोई कंप्लेंट या डाउट नहीं है। वो लड़की का पोस्टमार्टम के रिपोर्ट्स पे अभी कॉज ऑफ डेथ स्पेसिफिक रीज़न दिया नहीं है। वो डॉक्टर से वो स्पेसिफिक क्या कॉज ऑफ डेथ है वो जो मिलेगा उसके ऊपर आगे हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल तो एक एक्सीडेंटल डेथ करके रजिस्टर किया है।